हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुमार्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ एमसीक्यूज कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। आई होप आप सभी अपने यूजीसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई करते हुए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूं। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यूज। साथ साथ में मैं बताती जाऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आपको पेपर में भी आ सकते हैं, राइट? सो सबसे पहला हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग ना सबसे ज़्यादा फैक्ट्री, प्रोडक्शन हाउसेस, ये लोग करते हैं। रीज़न ये होता है कि इनकी ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है हर एक प्रोसेस में। होमोजेनियस प्रोडक्ट भी इन्होंने प्रोड्यूस करने होते हैं और प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्शन होती है, तो इस वजह से कॉस्ट को चेक करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, इवन एक स्पेसिफिक ऑडिटर भी अपॉइंट किया जाता है जिसको कॉस्ट ऑडिटर कहते हैं, जो कि कॉस्टिंग का काम सारा चेक करेगा। सो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट विल बी दी राइट ऑप्शन। ओके, मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ उसकी सोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार उसको आप चेक भी कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट चलते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग इज सूटेबल फॉर। प्रोसेस कॉस्टिंग हर बार एक ऐसी कंसर्न के लिए सूटेबल होगी जो कि होमोजेनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है और वहाँ कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो हॉस्पिटल में तो पॉसिबल नहीं है, ऑयल रिफाइनरी में पॉसिबल है। इसलिए बी ऑप्शन जो है ना दैट विल बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज सूटेबल फॉर ऑयल रिफाइनरी फर्म्स। प्रोसेस कॉस्टिंग इज सूटेबल फॉर इंडस्ट्रीज विच इज प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब है एक जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेम प्रोसेसेस चल रहे हैं, वहाँ पर हम प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। ठीक है, वेयर दी प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर। सो कॉन्टिन्यूस फ्लो हो रहा है काम का, वहाँ पर हम प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे। अगला है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। देखो, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में ना आपको ये पता होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, संक कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इसके फॉर्मूलाज हैं वो ज़रूर करना। कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए आपकी बीकॉम में जो बुक थी ना कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसको उठा लो, उसमें से जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे आती है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें ना अच्छे से रट लो, प्रैक्टिस करो, अपने नोट्स बनाओ, ताकि पेपर से एक रात पहले आप बैठकर इनको रिवाइज करो। पेपर क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत करना। मेहनत करोगे तो पेपर ज़रूर क्लियर होगा। अब यहाँ पर है कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन हाउ मैनी वेज। बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, दो चार पाँच नहीं, सेवरल वेज हो सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन विल बी द राइट वन। बेसिस होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इन सब में क्लासिफाई किया जाता है, राइट? सो बहुत सारे वेज होते हैं। द कॉस्ट विच कंपनी इंकर्ड इवन आफ्टर क्लोजिंग डाउन। काम बंद कर दिया है फिर भी आपको मिनिमम कॉस्ट तो आएगी ना, वो मिनिमम कॉस्ट होती है ना, उसको हम शट डाउन कॉस्ट कहते हैं। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। देखा, आप एक बार कॉस्ट वाला प्रिपेयर कर लोगे ना कि कितनी तरह की कॉस्ट होती है, उनके ना एग्जांपल्स कर लेना, एग्जांपल के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कैटेगरी की कॉस्ट है। जैसे मैं कहूँ कि अगर मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है तो वो किस तरह की कॉस्ट है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है। उसके बाद प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा बिजली का बिल आएगा, प्रोडक्शन कम हो रही है तो कम आएगा, तो वो जो फ्लक्चुएशन है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, राइट?
उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं क्योंकि इनको डायरेक्ट चार्ज किया जाता है, राइट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड चार्जेबल एक्सपेंसेस। चार्जेबल एक्सपेंसेस आर एनी कॉस्ट दैट योर एजेंसी और क्लाइंट हैज एग्रीड टू रीइंबर्स टू यू। ये कैसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आपका क्लाइंट कहता है कि ये मैं आपको मिनिमम पैसे जो है वो पे कर दूंगा, ठीक है। सो दैट विल बी दी चार्जेबल एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज इन डायरेक्ट मटेरियल। जो होता है उसको हम प्रोडक्शन में कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहते हैं। जैसे कि वेयर हाउस रेंट हो गया, ठीक है। ये आपको ना कॉस्ट शीट वाला एक चैप्टर है, उस टॉपिक में से ना ये सारा कुछ प्रिपेयर करना, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, और ऑफिस ओवरहेड्स कौन से होते हैं, ये सारे ना एग्जांपल्स याद कर लेना। इससे आपके ऐसे क्वेश्चन जो है ईजिली कवर हो जाएंगे। वेयर हाउस रेंट जो है उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, वेयर हाउस इट इज़ रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर, प्रोडक्शन कॉस्ट। थोड़ा जल्दी करवाती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। आप एक्सप्लेनेशन एक बार रीड कर लेना, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप इज एडजस्टेबल अलोंग विद। इनडायरेक्ट मटेरियल जो होता है उसका अगर स्क्रैप बच जाता है उसको हम किसके साथ एडजस्ट करते हैं, दैट विल बी एडजस्टेड विद द फैक्ट्री कॉस्ट, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज टर्म्ड एज टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना उसके टोटल को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। आई होप यू पीपल विल लाइक दिस वीडियो। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको और कैसा मटेरियल चाहिए सो दैट आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली मैं मटेरियल को प्रिपेयर करूँ। थैंक यू एवरीवन।